नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों 5 मई को एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है द केरला स्टोरी। और दोस्तों इस फिल्म ने रिलीज से पहले ही काफी हंगामा मचा दिया, विशेषकर जब से इसका ट्रेलर जारी हुआ है। काफी ज्यादा विवादों में ये फिल्म फंसती हुई नजर आ रही है। विपुल शाह तथा सुदीप्तो सेन की ये फिल्म, जिसमें अदा शर्मा मुख्य भूमिका में है। दरअसल दोस्तों ये फिल्म केरला के बारे में बात करती है। केरला में किस प्रकार से करीब 32,000 करीब 32,000 महिलाओं का मिसिंग होने की खबरें, गायब होने की खबरें, उनकी ISIS ज्वाइन करने की खबरें है, अखबारों में सुर्खियां बनी थी, और किस प्रकार से धर्मांतरण के ऊपर कन्वर्ट किया गया औरतों को वहां पे, विशेषकर हिंदू तथा ईसाई महिलाओं को, ज्यादातर हिंदू औरतों को कन्वर्ट किया गया, उनको सीरिया भेजा गया, ISI ज्वाइन कराई गई, लव जिहाद, इन सभी मतलब जो भी बातें हैं, जो भी चल रही है कि किस प्रकार से केरला को एक इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है, इन सब के बारे में ये फिल्म बात करती है। तो काफी गंभीर, काफी कंट्रोवर्शियल मैटर है जिसके बारे में इतना बड़ा सच दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और फिल्म के मेकर्स ने, अभी मैंने एक इंटरव्यू देखा था उनका, उन्होंने आरोप भी लगाया कि उनको कई तरह की धमकियां दी जा रही है, जान से मारने की धमकियां मिल रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने फिल्म में सच को दिखाया। हालांकि जो विपक्षी दल है जो फिल्म के विपक्ष में है, उनका यह भी कहना है कि यह एक प्रोपेगेंडा मूवी है और केरला को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो कई तरह की विवादों में ये फिल्म फंसती हुई नजर आ रही है। ट्रेलर से काफी ज्यादा एक बोल्ड ट्रेलर इसका लगता है। आप जब आप इसका ट्रेलर देखेंगे तो डायलॉग्स भी काफी बोल्ड है और विषय भी काफी बोल्ड है। तो डेफिनेटली ये विवाद तो डेफिनेटली इस फिल्म पे होगा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। कुछ लोग इसको एक साहसिक प्रयास बताएंगे कि एक सच दिखाने की बहुत ही बेहतरीन कोशिश की गई है जो अब तक छुपाया गया है। जिस प्रकार से द कश्मीर फाइल्स के बारे में बात हुई थी, वैसे यहाँ पर भी इसके बारे में बात होनी है। कुछ लोग इसको कहेंगे कि ये केवल एक दुष्प्रचार किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह से कह करके भी फिल्म को मतलब खारिज करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिल्म के मेकर्स का यही कहना है कि उन्होंने काफी रिसर्च के बाद में ये फिल्म बनाई है और उनके जो भी आंकड़े दिए गए है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल हकीकत के करीब है, इस तरह की बातें है। तो ट्रेलर काफी मतलब इसका पसंद किया जा रहा है और लोग काफी इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। अब ये फिल्म किस प्रकार का परफॉर्मेंस करती है तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों आपको ये बता दूं कि रिलीज से पहले ही इस फिल्म का जो IMDb मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज की जो लिस्ट आती है, उस लिस्ट में उसने शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म मोस्ट हाइप्ड मूवी जवान तथा प्रभास कीर्ति सेनन की फिल्म आदिपुरुष को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी में नंबर 1 मूवी बन चुकी है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म कितनी जबरदस्त होने वाली है और कितनी ज्यादा इसकी हाइप होने वाली है। अगर मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज की बात करें तो दोस्तों जवान को 22% पेज व्यूज मिले अभी तक, जबकि जब मैंने वीडियो बनाया तब तक 22% पेज व्यू मिले हुए। आदिपुरुष को 15% पेज व्यूज मिले हैं, जबकि दोस्तों केरला स्टोरी को 34% पेज व्यू मिल चुके हैं। मतलब नंबर फर्स्ट पोजीशन पे तो केरला स्टोरी है, सेकंड नंबर पे जवान 22% पेज व्यू के साथ है और आदिपुरुष 15% पेज व्यू के साथ तीसरे नंबर पे है। तो जवान तथा आदिपुरुष जैसी मच अवेटेड, मच हाइप्ड इतने बड़े बजट की फिल्म को केरला स्टोरी जैसी फिल्म द्वारा मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज की लिस्ट में, IMDb मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज की लिस्ट में पीछे छोड़ देना, ये जरूर कन्फर्म करता है कि फिल्म में कुछ दम है, दम डेफिनेटली। और फिल्म कुछ बॉक्स ऑफिस में कश्मीर फाइल्स की तरह कुछ नया इतिहास लिख सकती है। अगर फिल्म में दम हुआ, स्क्रिप्ट में दम हुआ और सही तरीके से फिल्म को पब्लिक के बीच ले जाया गया, अच्छे स्क्रीन मिले। खैर अगले वीडियो में बात करेंगे फिल्म को कितने स्क्रीन मिलते हैं, क्या क्या ये फिल्म कर सकती है बॉक्स ऑफिस पर। आप दोस्तों इस फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, जो भी आपकी राय हो कमेंट करके वैसे बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, जय श्री राम, जय बोलना।